प्रिय दर्शकों, हमारे श्रीमन्नारायण ज्योति संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं जुलाई 2021 में कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह पूरा महीना। हम आशा करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ, कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आपको लाभ, आप इसका पूरा फायदा उठाएं। हम आपको बताते हैं इस महीने में मुख्य कौन से व्रत और त्यौहार है। इस महीने में 11 जुलाई को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होगा और 28 जुलाई को गुप्त नवरात्र समाप्त होगा। 20 जुलाई को श्री हरिशयन एकादशी का व्रत, 23 जुलाई को गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा और 26 जुलाई को श्रावण सोमवार का व्रत प्रारंभ होगा। जो लोग श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत करते हैं वे इस दिन यानी 26 जुलाई से व्रत कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। कुंभ राशि के मालिक आपके अपने ही राशि द्वादश में विराजमान है, जो खर्च की अधिकता बनाएंगे, खर्च की अधिकता बनी रहेगी और लग्न पर ही बृहस्पति विराजमान है। मन भी आपका प्रसन्न रहेगा, पत्नी से सुख मिलेगा, संतान की उन्नति होगी, भाग्य की उन्नति होगी, आपका भाग्य बराबर इस महीने साथ देता रहेगा, हर प्रकार से उन्नति होगी। राहु केंद्र में उच्च के बैठे हुए हैं, अचानक भूमि भवन से लाभ हो सकता है। माता को थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आपको आ सकती है, माता को चोट चपेट हड्डियों में दिक्कत की संभावना बन सकती है। भूमि प्रॉपर्टी इत्यादि सोच विचार कर लें तो लाभ होगा आपको। पिता को भी थोड़ी सी कष्ट हो सकता है। मान सम्मान का विशेष रूप से समाज में ध्यान रखें, अचानक आपको मान सम्मान में गिरावट भी महसूस हो सकता है। कोई भी बड़ा बिजनेस नौकरी अगर आप करना चाहते हैं तो बड़ा सोच विचार कर इस महीने में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जल्दीबाजी में कोई कार्य आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इस महीने में मंगल के साथ शुक्र खष्टम में है, जो कि आपको शत्रुओं से बड़ी सावधानी पूर्वक, शत्रु आपका काम बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई मुकदमा इतना चल रहा है तो आपको लाभ होगा। स्त्रियों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, पर स्त्री से बड़ी सावधान रहें, कोई ऐसा काम न करें जो कि आपको जेल यात्रा भी खाना पड़े। थोड़ी सी यहाँ सावधानी रखें, स्त्रियों से बच करके बड़ी सावधानी पूर्वक रहें तो ज़्यादा, विशेषकर पर स्त्री से। सूर्य बुध आदित्य पंचम बना रहा है, संतान की उन्नति होगी। अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे चांस आपके आ रहे हैं। यह महीना आपके लिए अनुकूल जाएगा हर क्षेत्रों में, धन क्षेत्रों में भी, लेकिन खर्च पे थोड़ा सा कट होगा, कुछ पैसा आपका दवा में भी जा सकता है। केतु दशम में है, उनकी पांचवी दृष्टि कुटुंब पे है, कुटुंब में भी थोड़ी सी अनबन की संभावनाएं बन सकती है। माता का केतु की दृष्टि माता पर भी है, माता के थोड़ा सा स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। केतु की नवीं दृष्टि रोग पर है, थोड़ी सी आपको भी अपने हृदय और पेट का ध्यान रखना चाहिए। हम आपको बताते हैं ओवरऑल पूरा महीना कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य ज़्यादातर अच्छा रहेगा, पेट हृदय का विशेष रूप से ध्यान रखें, माता का ध्यान रखें, माता की सेवा करें। इस महीने व्यवसाय में न तो ज़्यादा अच्छा है न खराब है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। कोई बड़ा व्यवसाय न करें, अगर करते हैं सोच विचार कर करें। कैसा रहेगा इस महीने में दाम्पत्य, इस महीने में दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। आपको पत्नी से अच्छा सुख मिलेगा, कहीं आपका प्रेम संबंध चल रहा है तो उससे भी लाभ होगा। अब हम आपको बताते हैं शिक्षा के क्षेत्रों में अच्छी सफलता। कोई सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा समय है आपके लिए सफलता मिलने का। कैसा रहेगा आपके लिए आय और व्यय, इस महीने में आय भी अच्छी रहेगी लेकिन खर्च बहुत बना रहेगा, इसलिए आय व्यय बराबर रहेगा आपका। अब आपको बताते हैं कौन सी तारीखें आपके लिए अच्छी होंगी। इस महीने की 4, 5, 11, 12, 13, 14, 20, 22 और 31 तारीखें आपके लिए अनुकूल हैं। इस दिन कोई भी, इन तारीखों को कोई भी कार्य करें तो सफलता मिलेगा आपको। प्रिय दर्शकों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे चैनल के नीचे दिए हुए नंबरों से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से है परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है shrimannarayanjyotishsansthan@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह
गृह प्रवेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।